सपने में संभोग करना, चाहे वे किसी के भी साथ हो, एक बहुत ही खास तरह का सपना होता है। और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी इस तरह का सपना ना देखा हो, क्योंकि इस सपने के माध्यम से यह प्रकृति बहुत ही कीमती क्लू हमें देती है और लाइफ में चल रही बहुत सी बातों की ओर हमारा ध्यान ले जाने की कोशिश करती है, जिसको आज पूरी डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब अगर इस तरह के सपने की पहली कंडीशन की बात करें, तो जिसमें कि कोई खुद को किसी ऐसे इंसान के साथ संभोग करते हुए देखता है जिससे वह वाकई में रियल लाइफ में भी संभोग करना चाहता है या ऐसा करने की कल्पनाएं करता है, तो यह सपना केवल आपकी सोच विचार और माइंड की फैंटेसी को ही दर्शाता है। लेकिन अगर ऐसा आप किसी के साथ करने का सोचते थे लेकिन अब वह पॉसिबल भी नहीं है और फिर भी आपको इस तरह का सपना दिखाई दिया है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा के पूरा होने का समय अब आ गया है। और वह इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है, जिसको अगर आपको सही से समझना हो तो उसके लिए आपको वापस उसी टाइम को एक बार याद करने की जरूरत है जिस टाइम वह पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में था और उसके साथ ही आप कुछ लाइफ में अचीव भी करना चाहते थे। ठीक उसी विश के पूरा होने या करने की ओर यह सपना संकेत करता है। और अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, तो अगर आप सपने में किसी अजनबी या स्ट्रेंजर के साथ खुद को संभोग करते हुए देखते हैं, तो यह सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप जल्दी अपने अंदर कुछ ऐसा पाएंगे या आपके अंदर कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में बदल कर रख देगा। क्योंकि इस तरह का सपना किसी इंसान को तभी आता है जब उसकी सेल्फ डिस्कवरी होने वाली होती है या वे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाला होता है। और अब अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, तो अगर आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करते हुए देखते हैं जिसके बारे में आप गलती से भी नहीं सोच सकते हैं, मतलब यही कि यह सपना उन रिलेशंस के बारे में होता है जो रिलेशंस हर तरह से हमारे लिए मायने रखते हैं, तो इस तरह के सपने को देखने के बाद किसी भी तरह की गिल्ट की भावना को फील करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ सपने में होते हैं उसकी अच्छी आदतें अभी आपके अंदर आ रही होती है या आपको ऐसे व्यक्ति की अच्छी आदतों को अभी अपनाने की जरूरत है या अपने अंदर लाने की जरूरत है जो आपकी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकती है। और अगर कोई सपने में अपने लाइफ पार्टनर को किसी और के साथ संभोग करते हुए देखता है, तो यह सपना इस तरह की कैटेगरी का सबसे बुरा एहसास कराने वाला सपना होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, बल्कि यह सपना उसी व्यक्ति की मेंटेलिटी को चेंज करने की ओर संकेत करता है जो इस तरह का सपना देखता है। क्योंकि जब कोई अपने पार्टनर के प्रति नेगेटिव सोच विचार बना लेता है या उसको किसी भी कारण से नापसंद करने लगता है, तो यह प्रकृति इस तरह का सपना उसको दिखाती है और उसको अपने पार्टनर के प्रति लव को बढ़ाने की ओर ही चेतावनी देती है। इसलिए आपको किसी पर बेमतलबी शक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई सपने में किसी सेलिब्रिटी या फेमस इंसान के साथ संभोग करते हुए खुद को देखता है, तो यह सपना भी बहुत ही ज्यादा खास किस्म का होता है। और यह सपना दो बातों की ओर बिल्कुल क्लियर संकेत करता है, जिसमें से पहली तो यही है कि या तो आपके अंदर भी वैसी ही क्वालिटी अभी है या पैदा हो रही है जैसे कि कोई सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन रखता है, या दूसरी यही कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ वैसा ही अचीव करना चाहते हैं जैसे ये सेलिब्रिटी या फेमस लोग कर चुके हैं। और इसमें भी सबसे खास बात तो यही है कि आपके पास भी बहुत से मौके ऐसा करने के चारों ओर अभी मौजूद हैं, बस आपको उनको पहचानने की जरूरत है, जिसका फायदा उठाकर आप भी इसी तरह के लोगों की कैटेगरी में बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। और अब अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, तो अगर कोई सपने में किसी ऐसे इंसान के साथ संभोग करते हुए देखता है जिसको वह अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है या उसको अपना दुश्मन जैसा ही मानता है, तो यह सपना एक तरह की चेतावनी देने का ही काम किसी के लिए करता है, क्योंकि आप जाने अनजाने ही उन आदतों और विचारों को अपना रहे हैं जो आपके दुश्मन या हेटर्स के अंदर कूट कूट कर भरी है, जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने हेटर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की ही जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस आप उन पर ले जाओगे उतना ही ज्यादा आप भी उनके जैसे ही रियल लाइफ में बनते जाएंगे। और इसी काम को ना करने के लिए यह सपना किसी को संकेत करता है।
और अगर कोई सपने में खुद को अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही संभोग करते हुए देखता है तो यह सपना हर तरह से अच्छा ही माना जाता है और इसी बात का संकेत करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीजें आगे भी ऐसे ही घटित होती रहेंगी। अगर आप इसी तरह से अच्छे से अपने रिलेशन को सही से चलाते रहेंगे तो, और अगर कोई सपने में किसी और को संभोग करते हुए देखता है तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि शायद आपको अपनी लाइफ से ज्यादा आजकल दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी ज्यादा फिक्र हो रही है और आप बहुत सा टाइम दूसरों के बारे में बातें करने में और दूसरों को सही गलत ठहराने में ज्यादा बिता रहे हैं, जिसका आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यह तो आपकी कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका टाइम उन लोगों के बारे में बातें करने में जाता है जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा करने से केवल नुकसान ही होगा, क्योंकि आप भी जल्द ही उनके जैसे ही लेवल पर आ जाओगे और उनके ही जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आपका टाइम उन लोगों के बारे में बातें करने में और सोचने में जा रहा है जिनको आप काफी पसंद करते हैं या जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, तो तब आपको फायदा ही होगा, क्योंकि तब आप भी जल्द ही उनके जैसे ही आज नहीं तो कल बन ही जाओगे। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इस तरह का सपना देखने के बाद क्या करने की जरूरत है और किस तरह के लोगों के बारे में बातें करने की और सोचने की जरूरत है। और अगर कोई सपने में खुद को संभोग के लिए किसी जगह को खोजते हुए देखता है लेकिन उसको फिर भी कोई सेफ जगह अपने मकसद में कामयाब होने के लिए नहीं मिलती है, तो ये सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप रियल लाइफ में जो भी रिस्की काम अभी कर रहे हैं उसको पूरा करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई सपने में किसी सेफ जगह को खोजने में कामयाब हो जाता है तो तब यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप किसी रिस्की काम को करने में और उसमें सफलता पाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। और अगर कोई सपने में खुद को अपने एक्स के साथ संभोग करते हुए देखता है तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपके अंदर अभी भी उस इंसान के लिए फीलिंग्स बाकी है, या आप अभी भी उस इंसान के बारे में सोचते हैं, या वह इंसान आपके बारे में काफी डीपली अभी सोच रहा है जिसकी फीलिंग्स आप तक इस तरह के सपने के माध्यम से पहुंच रही है और उसकी याद दिलाने की कोशिश आपको कर रही है। क्योंकि हमें भले ही लगता हो कि कोई इंसान हमसे काफी दूर चला गया है या हम उससे कभी अब मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम या तो दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं या दूसरे इंसानों में अपना पूरा दिलो दिमाग लगा देते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन किसी भी इंसान से टूटता नहीं है और खास तौर से उन इंसानों से तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे आपने कभी भी लव किया हो। तभी तो जैसे ही कोई किसी का एक्स किसी को दिल से याद करता है तो सामने वाले को भी उसकी याद आ ही जाती है, और जब कोई बहुत ज्यादा डीपली किसी को याद करता है तो यह प्रकृति उसको इसी तरह का सपना दिखाती है और उसकी यादों को एक बार फिर से जिंदा कर देती है। और अगर देखा जाए तो एक और कीमती क्लू या सपना किसी को देने का काम करता है, और वह यही है कि हो सकता है कि आपने अपने एक्स से उस टाइम कोई वादा किया हो जो आपकी लाइफ से ही संबंधित हो, जैसे कि आप कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हो लेकिन अब आप उसको पूरी तरह से भूल ही गए हो, तो यह सपना कई बार उसी वादे को खुद के लिए पूरा करने की याद दिलाने के लिए हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसको पूरा करने का शायद अभी सही टाइम आ गया हो। और अब अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो अगर कोई सपने में अपने ही किसी क्लोज फ्रेंड के साथ संभोग करते हुए देखता है तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप अपने ही फ्रेंड के जैसे या तो बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनते जा रहे हैं। मतलब यही कि आप अपने फ्रेंड की सारी अच्छी आदतों को अपने अंदर जाने अनजाने ही डेवलप करते जा रहे हैं।